अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ड्राफ्टिंग बताऊंगी, एक 7 से 8 साल के बच्चे के लिए ड्राफ्टिंग और कटिंग पेपर पर दिखाऊंगी। क्योंकि ये ड्राफ्टिंग मैं अपने अगले वीडियो के लिए, जिसका पिक्चर मैं स्क्रीन पर दिया है, इस टाइप का टॉप, या आप इसको जैकेट भी कर सकते हैं, आप किसी के साथ इसको पहन सकते हैं, इस तरह की जैकेट मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी ये ड्राफ्टिंग इस्तेमाल करके। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और कनेक्ट में रहे, और बेल आइकन को क्लिक करना तो न भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ब्राउन पेपर मैंने लिया है, इसको मैं जितना हमें ब्रॉडनेस और हाइट चाहिए हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 20 इंचेस लंबाई रखा है और यहाँ पे 19 इंचेस चौड़ाई रखा है, इसको मैं अभी काट दूंगी। अब इसको मैंने काट दिया है। एक और टिप आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हम सीजर इस्तेमाल करते हैं पेपर के लिए और क्लॉथ के लिए, आप अलग अलग सीजर इस्तेमाल करें। ये आप देख सकते हैं एक किचन वाली सीजर है जो हम लोग किचन में जनरली यूज करते हैं, और मैं पेपर्स के लिए स्पेशली यही सीजर का इस्तेमाल करती हूँ। और कपड़े फैब्रिक के लिए जो हम सीजर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पेपर में इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए आप कभी एक ही सीजर दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें। अब इसके लिए हमें जो चीजें होगी ये होगी, स्केल चाहिए आपको, और कुछ कलर्स, मार्कर पेन और पेंसिल, मेजरिंग टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेजरमेंट, सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। यह हमारा पेपर है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है जैसे हम फैब्रिक फोल्ड करते हैं सेंटर पे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, ये सेंटर हिस्सा है, तो यहां से हम मेजरमेंट इस तरह लेंगे। तो शोल्डर सीम अलाउंस के साथ 6 इंचेस है, तो यहां पर मैं शोल्डर पे 6 इंचेस लगा दूंगी। नेक्स्ट होगा शोल्डर पे 1/2 इंच आपको डाउन मार्क करना है शोल्डर स्लोप के लिए। फिर यहां से हम लोगों को आर्म होल लेना है। अगर आर्म होल कभी कभार स्ट्रेट भी आता है, कभी कभार क्रॉस भी आता है, तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आप मेजर करें कितना है। तो ये हमारा 6 इंचेस है, तो यहां से भी 6 इंचेस आप मार्क कर लें। तो देख सकते हैं मैंने 6 इंचेस मार्क किया है। ये आर्म होल का मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ हमारा डिस्टेंस इक्वल रखने के लिए मेजरमेंट है। तो मैं इस पॉइंट से, जहां पे हम लोगों ने 1/2 इंच डाउन रखा है, उस पॉइंट से आप यहाँ पे 5 इंच मार्क करें आर्म होल के लिए। बच्चों के लिए हम थोड़ा लूज भी रख सकते हैं 5.5 इंच। आप नेक्स्ट हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेंगे। अब ये जो हमारी लाइन होगी हमारी चेस्ट लाइन, इसको मैं स्ट्रेट कर लेती हूं। यह हमारी होगी चेस्ट लाइन। नेक्स्ट जो होगी हमारी वेस्ट लाइन, तो यहां पे मैं वेस्ट 10 इंचेस पे ले रही हूं। बच्चों की वेस्ट नियरली 9 9.5 10 इंचेस रहती है, तो यहां पे मैं 9 समटाइम्स मैं 9 कंसिडर करती हूं। आप यहां पे 10 इंचेस भी ले सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स से मैं 10 इंचेस पे मार्क कर रही हूं। नेक्स्ट हमारी होगी, तो गाइस यहां पे मैंने वेस्ट लाइन की लाइन लगा दी है। नेक्स्ट हम चेस्ट ब्रॉडनेस और वेस्ट ब्रॉडनेस की मार्किंग करेंगे। तो यहां पे मेरा चेस्ट ब्रॉडनेस जो मैं ले रही हूं यहां पे 14 इंचेस, जिसका आधा होगा 7 इंचेस, तो यहां पे 7 इंचेस पे मार्क करें। तो यहां पे 7 इंचेस पे मार्क किया है और 1 इंच सीम अलाउंस, तो सेपरेटली आपको दोनों मार्किंग देनी है। नेक्स्ट हम वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे वेस्ट लाइन जो रख रही हूँ 12.5 इंचेस, 12.5 मतलब आपको होगा 6 1/4। तो यहाँ पे 6 1/4 पे मैंने मार्किंग लगा दी है और आपको 1 इंच सीम अलाउंस यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट होगा बॉटम का हिस्सा। बॉटम पे आपको यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है, आप इतना ही रखिए जितना कि यहाँ पे बॉटम आपको आ रहा है, क्योंकि हमारा बेसिक है, बेसिक ड्राफ्टिंग है। नेक्स्ट मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर लूं, मैं इन पूरी लाइंस को ज्वाइन कर लेती हूं, और इस लाइन से नेक्स्ट
होगा आर्महोल ड्रॉइंग। आर्महोल जो होगा हमारा, इसको हम डिवाइड बाय टू करेंगे इस पॉइंट से, तो ये हमारा 5 इंच है, 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहां से आपको कर्फ लेना है एडल्ट साइज और बच्चों का भी, इसी तरह आपको ये डिवाइड बाई टू करना है और यहां से आपको इस तरह से आपको कर्फ लेना है। ये हमारा बैक आर्म होल होगा। नेक्स्ट फ्रंट आर्म होल के लिए हम इसको अंदर की तरफ मार्क करेंगे 1/1 इंच। ये बच्चों के लिए होगी, आप एडल्ट साइज के लिए 1 इंच भी रख सकते हैं, 3/4 इंच भी रख सकते हैं साइज के हिसाब से। जैसे आपका साइज बढ़ते जाएगा आप इसको कम करेंगे, तो मैं अपने लिए 1 इंच रखती हूँ लार्ज साइज के लिए, या एक्सेल है तो आप 3/4 इंच रख सकते हैं। बच्चों के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच कंसिडर करूंगी। नेक्स्ट जो होगा, इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से मिलाना है, यहाँ पे हमारा शोल्डर स्लोप होगा। नेक्स्ट जो होगा आपको कर्व बनाना है यहां से, ये जो कर्व होगा यहां से यहां तक आपको, ये आपको इस तरह से स्ट्रेट इस तरह से आपको यहां पे कर्व लगाना है। जितना मेजरमेंट मैंने यहां पे लिया है आप देख सकते हैं, ये नियरली 1/1/4 इंच का ये गैप है। गाइस अब हम इसको काटेंगे, उससे पहले नेक मेजरमेंट में मार्किंग दूंगी, जो नेक ब्रेथ में यहां पे लूंगी वो होगा 2.5 इंच, और फ्रंट नेक हाइट जो होगा 4 इंचेस भी आप ले सकते हैं। मैं यहां पे 3.75 इंच लूंगी ताकि बड़ा ना हो जाए, और बैक नेक जो होगा 2 इंचेस। नेक्स्ट यहां पे आप, तो आपका ये बैक नेक है, फ्रंट नेक भी हम यहाँ पे तो हमारा फ्रंट नेक है। लास्टली आपको शोल्डर स्लोप ज्वाइंट करना है। नेक्स्ट आप इसको काट दें। गाइस हमारी ड्राफ्टिंग रेडी हो गई है। मैं नेकलाइन नहीं काटूंगी इसको, मैं जस्ट इसी तरह रखूंगी। ये ओपन करने के बाद कुछ ड्राफ्टिंग इस तरह है। आप आर्म होल भी ना काटे, क्योंकि एक बार हम लोग बैक का कटिंग करने के बाद कुछ ना कुछ उसको डीप आर्म होल काट सकते हैं। सिर्फ मैंने आर्म होल की ड्रॉइंग आपको समझने के लिए बताई थी। गाइस मैं इस छोटे से वीडियो से आपसे विदा लूंगी, ले और नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ मैं आऊंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक नया पैटर्न लेके आपके सामने आऊंगी, उसके लिए मुझे ड्राफ्टिंग चाहिए था, जो कि ये ड्राफ्टिंग मैं इस्तेमाल करूंगी मेरे अगले वीडियो के लिए। तो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरा अगला डिजाइन देखने के लिए, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स फैमिली या कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।